हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने मोशन का कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ मोशन। इन रेट ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको क्या हो जाए, जितने भी इस वीडियो में मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उनका कंसेप्ट आपको क्या हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड द रेट ऑफ मोशन। यानी रेट ऑफ मोशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने की दर क्या है, वो किस रेट से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ये हमें बताना है। यानी क्या कह रहा है ये कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कि आपका कोई ये ऑब्जेक्ट है, हमने खाली ए ऑब्जेक्ट मान लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, खिसक के थोड़ी दूरी पे यहां आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा बन गया है, कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, ये खिसक के अब कहां आ गए, यहां पे आ गए। यानी इसने इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है। डिस्टेंस क्या करी है, कवर करी है। यानी उसने कुछ डिस्टेंस क्या करी है, कवर करी है। इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना इसका क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा, इन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस हमारी कवर्ड की जाती है, उस डिस्टेंस को कवर्ड करने में जितना भी हमारा टाइम लगेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ मोशन। यानी उस ऑब्जेक्ट द्वारा जितना भी हमारा टाइम लगेगा, हम उसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ मोशन। तो दोस्तों, एक चीज का आप ध्यान रखना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके हर एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर करने की अमाउंट भी अलग अलग होती है। वो हर ऑब्जेक्ट अपने टाइम के हिसाब से क्या करेगा, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ मोशन होता है। रेट ऑफ मोशन दोबारा समझा देता हूँ। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में जो वो टाइम लेगा, डिस्टेंस और टाइम के रेशो को ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ मोशन कहेंगे। तो दोस्तों, आइए इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। इससे पहले हमने रेट ऑफ मोशन पढ़ा था, और ये जो स्पीड है, ये भी हमारा रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का एक टर्म्स होता है। इसी को हमने क्या कहते हैं, रेट ऑफ मोशन भी एक प्रकार से कह सकते हैं, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये रेट ऑफ मोशन का ये पार्ट्स है, तो आइए देख लेते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर हम क्या करें, डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, देखना। लिखा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, यानी देखिए, मान लीजिए ए कोई हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चलो ए की जगह कुछ और भी ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए कि एम हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहां से चलना इसने स्टार्ट करा, कुछ इसने डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। इस डिस्टेंस को उसने कवर करा एक पर यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब है कि उसने एक घंटे में, 10 मिनट में, यानी उसने एक टाइम फिक्स कर रखा है कि ये इसने टाइम में क्या करेगा, इस डिस्टेंस को कवर कर देगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है वो, दोबारा से देख लो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। यानी उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो एक पर यूनिट टाइम में ही डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसे 1 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो उसका क्या वो पर यूनिट टाइम होगा, यानी एक घंटे में ही वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने बोल दिया कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसने पहले एक घंटा बोला, तो उसके बाद वो कह रहा है कि 1 आवर्स बोला है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि आधे 1.5 आवर्स में क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर कर देगा। ऐसा नहीं है,
जो पर यूनिट टाइम हमसे बोला होगा उसी पर यूनिट टाइम के हिसाब से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर देगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो दोस्तों एक चीज आप और देख लेना, स्पीड जो होती है हमारी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमारी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी में खाली हमारी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। आपको मैं बता दूं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं। आप मेरे मोशन वाला जो मैंने मोशन का फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों बता रखी हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब मैंने समझाया था मैंने वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों को क्या कर लिया, अच्छे से क्लियर कर दिया था, वहाँ पे मैंने समझा दिया था। यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। यानी डिस्टेंस, जहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस हम किधर भी कवर कर सकते हैं। चाहे आप मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो पहले इस तरफ मूव कर रहा है, उसके बाद वो डाउन में मूव करेगा, फिर उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, फिर इस तरीके से वो मूव करता रहेगा। तो यानी डिस्टेंस वो किसी भी डायरेक्शन में कवर कर सकता है, डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी भाग सकता है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे, कर्व जैसे मर्जी, गोल टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी मर्जी चला है, कर्व शेप में, राउंड शेप में, किसी भी शेप में वो क्या कर सकता है, चक्कर लगा सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो इसलिए डिस्टेंस हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक और क्या बनेगा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होगी किसकी, स्पीड की। अगर हम यहाँ से देखें, डिस्टेंस हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, उससे आपको और काफी आसानी पड़ जाएगी इसे समझने में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पे स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्मॉल हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें डिस्टेंस को हम किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल टी या कैपिटल टी जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, एक देखना अगर आप इसकी ऐसा यूनिट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, डिस्टेंस को हम हमेशा इसके किसमें, मीटर में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को आप किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। तो इस तरीके से इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, या और करके आप लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप माइनस वन की पावर दिखा के भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कोई नंबर जब अपॉन में होता है, अपॉन से जब ऊपर की तरफ आएगा, डिवाइड से जब ऊपर मल्टीप्लाई में आता है तो माइनस वन की पावर ले लेता है। ठीक है, यानी आप दो इसके असाइनमेंट इस तरीके से या इस तरीके से भी आसानी से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और स्पीड कभी भी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। देखोगे आप, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, स्पीड हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी, वो जीरो स्पीड पे नहीं होगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चल रहा है, हल्के हल्के भी चल रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि स्पीड हमारी क्या नहीं हो सकती, जब हमारी स्पीड जीरो नहीं है तो उसका नेगेटिव होने का भी कोई मतलब होता ही नहीं। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता ही जा रहा है, हल्के हल्के चाहे तेज तेज जैसे भी वो मूव कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ रही होगी, घटेगी बट जीरो से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, यानी जीरो तक भी नहीं पहुंचेगी, यानी 0.5 भी हो सकती है, 1 किलोमीटर पर आवर से भी हो सकती है, जिस तरीके से भी हो सकती है, बट जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, यानी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, यानी स्पीड हमेशा क्या रहेगी हमारी, पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें स्पीड जरूर रहेगी, जीरो नहीं होगी तो जीरो से ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में हो जाएगी नहीं, नेगेटिव में होगी तो पहले उसे जीरो होना पड़ेगा।
ठीक है, कोई भी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड अगर पहले नेगेटिव हो जाएगी तो उससे पहले कहाँ आना पड़ेगा, जीरो पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे उसने साफ साफ बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, इसलिए इसका नेगेटिव होना भी संभव नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने दो टॉपिक क्लियर करे हैं, रेट ऑफ मोशन और स्पीड, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।